सो हे गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल एन अदर न्यूडो। सो गाइज, आज की वीडियो बात करने वाले हैं लोग अपनी फोटो में ब्लर कैसे लाएं। काफ़ी अच्छा ब्लर मैं इस वीडियो में लाया हूँ। तो ये देखिए फोटो है, ये ब्लर फोटो। आप भी ऐसी एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में सारा स्टेप है। आप वीडियो को छोड़ देंगे तो काफ़ी मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो को आप छोड़ देंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी आपको, तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर मैं बताने वाला हूँ, तो इस ऐप को यूज़ करिए, काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो जाती है बिना किसी देरी के। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग आए थे। आज की स्टूडियो में बात करने वाले हम लोग अपने बैकग्राउंड में ब्लर कैसे लाएं। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का हल्का ब्लर है, तो इसको हम लोग फुल ब्लर कैसे करें। तो इसके लिए एक मैंने ऐप लेके आऊँ, उसके बारे में बताऊँगा, उससे ब्लर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो रूम ऐप में अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर लेगा, उसके बाद ये बैकग्राउंड भी इरेज कर देता है। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड भी इरेज कर दिया, और उसके नीचे आप ब्लर भी कर सकते हैं इस ऐप से। तो यहाँ पर फोटो एडिटिंग क्लासिक लिखा हुआ है, तो इसके नीचे बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लर काफ़ी अच्छा हो गया। तो अब हम लोग को लाइट नहीं चाहिए साइड साइड, तो हम लोग को यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा हुआ दिख रहा है, ड्यूरेशन पे क्लिक करते ही देख सकते हैं ब्लर हो गया हम लोग की फोटो में, लाइटिंग भी गायब हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्लर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग नीचे इसका पॉइंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बढ़ा दिया, तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर हो गया, बैकग्राउंड कट सा गया और बैकग्राउंड ब्लर हो गया। यहाँ पे फोटो को हम लोग सेव कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग की फ़ोटो सेव हो चुकी है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फोटो रूम ऐप लोगो आ रहा है इस ऐप का, तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पिक्सल में अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेंगे जल्दी से। यहाँ पे पिक्सल पे ऐड करने के बाद रिटच पे क्लिक करेंगे। रिटच पे क्लिक करने के बाद हम लोग साइड से इधर कर लेंगे फ़ोटो को, फोटो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेमिश का एक ऑप्शन दिखेगा। ब्लेमिश पे क्लिक करेंगे, ब्लेमिश पे क्लिक करने के बाद साइज को प्लस कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ हम लोग का लोगो है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लोगो गायब सा हो गया, पर एक फिटिंग आ रही है यहाँ पे, तो देख सकते हैं एक पैर पर भी ये ब्लर हो चुका है, काफ़ी अच्छा पैर पर भी ब्लर हो चुका है। तो इसको हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे अपनी पुरानी वाली फ़ोटो को हम लोग ले लेंगे, ओल्ड फ़ोटो को ले लेंगे जो हम लोग ने ब्लर करी हुई है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो ऐड कर ली, अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद फ़ोटो के साथ एडजस्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है फ़ोटो को इरेज कर देंगे नीचे से। यहाँ पर इरेज करते ही देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्लर पना आ रहा है पीछे। ये देख सकते हैं ब्लर कितना काफ़ी अच्छा ब्लर हो गया। एक नॉर्मल तरीके से आप अपनी फ़ोटो में ऐसा ब्लर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। आप भी जाकर ट्राई करिए, फ़ोटो रूम ऐप न्यू ऐप है, आप भी ट्राई करिए, काफ़ी अच्छी एडिटिंग का ऐप है। इससे बैकग्राउंड भी इरेज कर सकते हैं आप, प्लस और भी बहुत से फीचर्स है इसमें, जाकर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I'm so